गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इतिहास का 47 नंबर क्लास। और आपको एक बताए थे हम पिछले क्लास में कि अग्निकुंड का सिद्धांत जो आया था, ठीक है। तो अग्निकुंड सिद्धांत में कितने वंशों का उदय की बात की गई है। अग्निकुंड जो सिद्धांत आया था उसमें बताया गया था कि कुछ वंशों का उत्पत्ति हुआ। उस वंश का नाम बता सकते हैं आप लोग। अग्निकुंड से चार वंशों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। एक था जिसका नाम था परमार, ठीक है, कौन था? परमार। दूसरा था गुजरात का प्रतिहार वंश। तीसरा जो था वह था चालुक्य वंश। और चौथा जो था वह था आपका चौहान वंश, ठीक है। ये चार वंशों का सिद्धांत दिया गया था। किसके माध्यम से? अग्निकुंड सिद्धांत। लोगों का कहना था कि अग्नि से ये चार वंश उत्पन्न हुए, ठीक है, अग्निकुंड। अच्छा, हम इन सबों में जो परमार है, प्रतिहार है, चालुक्य, सबको पढ़ चुके हैं। हम लोग आज से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में हम लोग आज जानते हैं। सबसे पहले जो चौहान वंश है उसका सबसे महान राजा की अगर बात करें तो चौहान वंश का सबसे जो महान राजा हुआ उसका नाम था आपका कौन, पता है? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो अच्छा, अब कहीं क्वेश्चन कभी ये पूछ देता है कि बताइए कि जो ये है अग्निकुंड का सिद्धांत है उसको वर्णन मिला है कहां से मिला है। तो देखिए, एक बुक है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो है चौहान, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि रहते थे जिसका नाम था क्या, चंद वरदाई ने किताब लिखा था पृथ्वीराज रासो। और उसी में यह सिद्धांत मिलता है, कौन चीज का? अग्निकुंड का। और अग्निकुंड के चार वंशों की उत्पत्ति की बात उसी में की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल पाया है, ठीक है। देखिए, चौहान वंश जो है यह कहां का है? तो चौहान वंश जनरली अगर देखा जाए तो ये सूर्य वंशीय इसको कहा जाता है। चौहान वंश को कौन सा वंश कहा जाता है? सूर्य वंशीय कहा जाता है। और ये कहां का क्षेत्र होगा? चौहान वंश कहां का रहने वाला सब है? तो ये आपके गुजरात का रहने वाला, ठीक है। चौहान वंश की उत्पत्ति होती है कहां से? गुजरात से होती है। और चौहान वंश को सूर्य वंशीय कहा जाता है। अब यहां से शुरू होता है, अगर हम चौहान वंश की बात करें तो इसका जो पहला शासक यानी संस्थापक अगर हम कहा जाए तो चौहान वंश का संस्थापक जो है वह कौन सा है? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। लेकिन ये जो वासुदेव थे एक स्वतंत्र शासक नहीं थे, एक सामंत थे। सामंत यानी एक ऐसा राजा जो किसी के अधीन है, सारा टैक्स उसी को पे करता है। और किसका? तो ये सामंत थे प्रतिहार के। गुजरात में एक जो वंश था, कौन था? प्रतिहार जो वंश था, गुजरात के प्रतिहार वंश, उसी के ये सामंत थे, ठीक है। और इसके अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसका राजधानी जो था वह कहां पे था? तो इसका जो राजधानी था शुरू में अगर हम इसकी राजधानी बोले तो नागौर था। कहां पे था? नागौर। इसकी राजधानी कहां पे थी? नागौर। शुरुआत में इसकी राजधानी नागौर में थी, बाद में राजधानी को बदलकर अजमेर कर दिया गया। पूछेगा प्रारंभिक राजधानी चौहान वंश का कहां था? नागौर में था। और बाद में इसको राजधानी कहां ले गया? अजमेर ले गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? देखिए, प्रतिहार में वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार किया, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो काफी ठीक है कि चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव नहीं, और वासुदेव जो थे तो ध्यान दीजिएगा, चौहान वंश के कहां पे है? ये गुजरात का संस्थापक कौन है? वासुदेव। राजधानी इसका कहां था शुरू में? नागौर। और उसके बाद उसकी राजधानी कहां ले गया बाद में? आपका जो है से अजमेर ले गया, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र या गुजरात, वही नागौर है आपका। और बाद में इसका राजधानी कहां पे चला गया? अजमेर, ठीक है। और उसी को बनाया गया, ठीक है। वही जो नागौर है उसको अहिछत्र भी हम लोग लिखे हुए, कहीं कहीं पे अहिछत्र भी लिखा रहता है, अहिछत्र भी लिखा रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद दूसरा जो संस्थापक, सॉरी, इसका जो राजा आया वो था आपका अरुणोदय।
ठीक है, अरुणो राज था, सॉरी अरुणो राज। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो शासक था चौहान वंश का वो कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। दूसरा जो राजा बना कौन था? अरुणो राज। अरुणो राज, देखिए अरुणो राज काफी योग्य शासक था, काफी शक्तिशाली राजा था, और इसको साहित्य में बहुत ही दिलचस्पी था। साहित्य का मतलब बहुत सारे किताबों को पढ़ना, ठीक है, साहित्य में इसको बहुत दिलचस्पी था। और इसके दरबार में एक कवि रहते थे, चूंकि साहित्य का प्रेमी था इसलिए इसके दरबार में रहते थे एक व्यक्ति जो कवि था, उसका नाम था विग्रहराज फोर। ठीक है, याद रखिएगा इसको, नाम क्या था? विग्रहराज फोर बिसलदेव, पूरा नाम है इसका विग्रहराज फोर बिसलदेव। फिर से सुनते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। शुरू में इसका राजधानी नागौर या अहिच्छत्र था, बाद में इसको राजधानी कौन? अजमेर गया। अजमेर कौन ले गया है इसकी राजधानी को? देखिए उसमें कौन ले गया है बाद में अजमेर इसकी जो राजधानी ले गया है वो कौन ले गया है? अजय राज द्वितीय। तो अजय राज द्वितीय जो है इसकी राजधानी को कहाँ ले गया? अजमेर में ले गया है, ठीक है, अजय राज द्वितीय। उसके बाद अरुणो राज इसका राजा बनेगा। अरुणो राज जो से काफी प्रतापी शासक है, और चूंकि साहित्य का में बहुत दिलचस्पी है, इसको साहित्य पढ़ने में मजा आता था, इसीलिए इसके दरबार में एक साहित्य के बहुत बड़े कवि थे जिसका नाम था विग्रहराज फोर बिसलदेव। याद कर लीजिए इसको, विग्रहराज, ठीक है, फोर बिसलदेव। विग्रहराज फोर बिसलदेव किसके दरबार में रहते थे? अरुणो राज के, ठीक है, क्यों? चूंकि वह साहित्य का प्रेमी था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो था इसने एक किताब लिखा था, एक कहानी लिखा था, विग्रहराज चार बिसलदेव जो है, विग्रहराज चार बिसलदेव एक किताब लिखा था जिसका नाम है हरिकेली। क्या था उसका नाम? हरिकेली। यह एक संस्कृत नाट्य है, संस्कृत नाट्य है, यानी नाटक है, संस्कृत नाट्य है, ठीक है। हरिकेली, पूछेगा हरिकेली किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था, और एक बहुत बड़ा ये नाटक है हरिकेली। कौन लिखा था? विग्रहराज चार जो बिसलदेव, विग्रहराज चार बिसलदेव ने किताब लिखा, एक नाटक लिखा जिसका नाम क्या था? हरिकेली। हरिकेली किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नहीं, अब यहां से कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अगर हम मैप की बात करें, ठीक है, अगर हम मैप की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र पड़ता है यही है राजस्थान का क्षेत्र। कौन सी क्षेत्र है? राजस्थान। और इसी के बगल में अगर हम बात करें तो मालवा है, इधर कौन है आपका? मालवा है। यहाँ पे राजस्थान जो देख रहे हैं यही जो है राजस्थान, ठीक है। चूंकि ये राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे शासन करते हैं। कौन है? एक नया, इसके बाद अरुणो राज के बाद यहाँ पे एक शासन करेगा जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का ही असली नाम अगर कहा जाए तो इसका असली नाम है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का या पृथ्वीराज चौहान का है? दोनों क्या है? बिल्कुल समान। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही महान शासक, राजपूत, ठीक है, ये था राजपूत। नहीं, और देखिएगा ये राजपूत से बिलोंग करता था पूर्व मध्य काल में, सब पूर्व मध्य काल में। तो पृथ्वीराज चौहान का असली नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है। और ये शासन कहाँ पे कर रहा है? राजस्थान, और उधर से है मालवा। राजस्थान का राजा है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, और मालवा का जो राजा उसका नाम है जयचंद, ठीक है। कौन है? जयचंद। दोनों में काफी दोस्ती, दोनों जब भी इस पर हमला होता है तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? उसका जवाब देते हैं, और जिसके कारण इस क्षेत्र पर कोई जीत हासिल नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घटती है, तराइन के बात करते हैं केवल। तराइन आपको पता है, तराइन कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। तराइन में तीन युद्ध हुआ, ठीक है, तराइन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। पहला जो तराइन का युद्ध हुआ 1191, सॉरी तराइन में दो ही युद्ध हुए हैं, 1191 और दूसरा 1192।
ध्यान दीजिएगा, उधर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दोस्ती है, दोनों बाहर से आए राजाओं के साथ क्या करता है, काफी सम्मान करता है, दोनों जो है मिलकर किसी का हमला को नाकाम बनाता है पृथ्वीराज। और एक बात समझिएगा, लेकिन एक जो है तुर्की शासक जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, तुर्की शासक है जिसका नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की नजर है राजस्थान पर, इस पर नजर है राजस्थान को हर हाल में हड़पना चाहता है, लेकिन वहां का शासक है पृथ्वीराज चौहान, काफी शक्तिशाली राजा, हिस्ट पुरुष और दोनों हाथों से तलवारबाजी करने वाला, ठीक है, जिसके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता है, और राजस्थान का है कंप्लीट है। गौरी उस पर हमला कर देता है 1191 में, जो कि तराई का प्रथम युद्ध हुआ, किसके किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस युद्ध में दोनों मिलकर लड़ा था, कौन, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, और बुरी तरीके से हरा दिया किसको, मोहम्मद, और उसको भगा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई आपको हमला करता है, कोई भी करता है, तो अपनों के दगा से होता है, सेम कहानी यहां पर भी होती। इसी बीच में 1191 में जब युद्ध जीत जाता है तो होता है एक बहुत ही गड़बड़ी, होता क्या है कि जयचंद की बेटी रहती है जिसका नाम है संयोगिता, इसी का नाम है संयोगिता, ठीक है, इसकी बेटी है संयोगिता, और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफी सुन रखी, वो सुन रखी थी कि काफी सुंदर राजा है देखने में, प्लस दोनों हाथों से तलवारबाजी करता है, एक 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 पृथ्वीराज चौहान सात सात आदमी को अकेले हरा देता है, ठीक है, इतना शक्तिशाली है। और संयोगिता क्या होता है, उसको प्रेम हो जाता है, किससे, पृथ्वीराज चौहान, ये खबर पहुंचती है पृथ्वीराज चौहान को, वो भी देखता है, उसको भी प्रेम हो जाता है, काफी सुंदर रहती है वो भी। अब यहाँ पे प्रेम कहानी चलती है, लेकिन जयचंद को कतई पसंद नहीं था कि मेरी बेटी पृथ्वीराज चौहान से शादी करे, ठीक, दोनों दोस्त है लेकिन नहीं चाहता है, अब नहीं चाहता है, तो अब क्या करता है भाई, क्योंकि तो महान राजा है, वो क्या करता है कि अब इसको चाहता है कि कहीं अलग शादी कर दो, ताकि इसका नजर नहीं रहेगा इस पर, और शादी का प्लान बनाता है, उसके लिए स्वयंवर रच जाता है। स्वयंवर का मतलब होता है कि जितने भी पूरे विश्व के जो राजा हैं, सभी अपना मेकअप करके सज धज के एकदम पावर में और आते हैं, और लाइन से क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, और उसमें जिस लड़की का शादी होने स्वयंवर रचाया जाता है, वो लड़की उसमें से किसी को पसंद करती है, उसके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगी, सभी तरह के परीक्षा लेगी, अगर आप सफल होते तभी आपको वह माला डालेगी, करेक्ट है, इतना लड़की का इतना वैल्यू है सब, ठीक है। लेकिन यह बात पता चल जाता है संयुक्ता को कि मेरा पिता जो है मेरा कहीं और शादी रचाने वाला है, यह खबर संयुक्ता किसको पहुंचा देता है, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान कहता है ठीक है होने दो, हम भी देख लेते हैं, ये बुलाता है कि तुम भी आ जाना, समय देख के आ जाना, ठीक है। यहाँ पे कहानी बढ़ती है, होता क्या है कि इसी बीच में ये जो है जयचंद पूरे दरबार में सभी राजाओं को बुलाता है विश्व के, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को खबर नहीं भेजता है, और उसके लिए एक मूर्ति बना देता है, और कहां पे रख देता है, आगे दरबार नहीं रहता है उसका, यह जब संयुक्ता देखते है तो उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्वयंवर रचा जाता है, वह किसी को पसंद नहीं करती है, ठीक है, जब पसंद नहीं करती है तो वो जो जयचंद रहता है गुस्सा आ जाता है, और खबर तो वहां होल था, वो अपना घोड़ा पर सवार होके सब सेना उना के लेके पहुंचता है, बाबू भरी महफिल में, कतना दम है सोचो प्रेम में, पूरा महफिल पूरा विश्व के राजा बैठल है, सब बैठल है, सेना तेना सब, बाबू अंदर घुस के उसको उठा के लेके भाग जाता है, बात खत्म। यहाँ पे शादी तो हो गई 1191 में, लेकिन इस बीच अब क्या करता है जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को खबर भेजता है, देखो कैसे अपन घर बर्बाद होता है, सुनो, मोहम्मद गौरी को खबर भेजता है कि हम आपका साथ देंगे, आप पृथ्वीराज चौहान पर हमला के, वो कहता है कि हम नहीं करेंगे, बहुत शक्तिशाली राजा एकदम ना मार के भगेले हैं, मार दे तो फिर दिक्कत है, कहते हैं कि हम है, दोनों लड़ता सर जी तो शादी करेंगे तब लड़के को बदला नहीं लेगा, दुश्मनी नहीं लेगा, उसका बेटी लेके भाग गया
और नहीं चाहता था वो नहीं लेगा, बेइज्जती ना क्या, भरी महफिल में से ना भागा है। तो वो मोहम्मद गोरी को खबर देता है, मोहम्मद गोरी तैयार नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती ओकरा तैयार करो, तब दोनों मिल जाता है। तो इंतजार ही में था कि वैसा मिले कि आपस में फूट हो, ठीक है। और क्या करता है, 1192 ईस्वी का युद्ध होता है, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत हार जाता है और गौरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, नहीं ठीक है। तो गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेता है, बंदी बना कर ले जाता है। और पता चलता है बाद में, पता चलता है बाद में, इसके बहुत सारे कहावत है लेकिन सही क्या है कोई पता, लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो एक कवि था उसके दरबार में, जिसका नाम था पता है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो कवि रहता था उसका चंद्रवरदाई, उसका नाम था क्या, नाम था उसका चंद्रवरदाई। तो जब इसको बंदी बना कर ले जाता है तो चंद्रवरदाई भी उसके पास जाता है, कहा जाता है कि उसका दोनों आंख फोड़ देता है, सुन रखा था कि वह जो शब्द वेदी भान जानता है, पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द वेदी भान, शब्द वेदी भान मतलब है कि आप कहीं पर से बोलिएगा ना वो आपको शब्द सुनकर निशाना लगा के मार देगा, ठीक है। तो अब उसका आंख फोड़, इस सब का हावत है लेकिन, ठीक है, आंख फोड़ दिया जाता है, बैठा दिया जाता है और उसको एक कहता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो वही कहता है कि मुझे एक बाण दिया जाए, धनुष और बाण, ठीक है, मैं शब्द वेदी बाण चलाना चाहता हूँ। और उसी बीच चंद्रवरदाई जो ऐसे कहता है कि इतना इतना इंच पर, इतना इतना फुट पर बैठा हुआ है, अपना कविता में कहता है, और जैसे ही चलाता है ना, लेकिन उसको शक हो जाता है, किसको, मोहम्मद गोरी को, वो छिप जाता है, बाण अलग चला जाता है। उसके बाद पता चलता है कि इसको शायद मार दे, कुछ कहानी लिखता है कि नहीं तीर चलाता है तो मोहम्मद गोरी मर जाता है, लेकिन मरता नहीं, तो 1194 में आएगा कैसे, मरता नहीं है। और इसी बीच में इसको पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, चंद्रवरदाई को भी शायद मार, क्या करता है पता नहीं चलता है आगे, ठीक है। और अब इसका बीवी, बीवी को भी मार दिया होगा, क्योंकि वो लोग तो आग में क्या कर दहन कर लेती थी खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, तो अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की कहानी समाप्त हो गई। अब चंद्रवरदाई बड़ा खुश ना, लेकिन तू कहता है मोहम्मद गोरी कि जब तू अपने बेटी का न हुआ, अपने दामाद को मरवा दिया, तो मेरा तू होगा। 1194 में क्या करता है, 1194 में बाबू चंदावर का युद्ध होता है, किसके बीच, मोहम्मद गोरी की। तो सोचा था कि अब तो ये जीत लिया, तो अभी जाएगा हमको दे देगा अपना पृथ्वीराज चौहान वाला राज दे देगा, लेकिन उस पर भी हमला कर देता है। और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, जयचंद उसी में क्या हो जाता है, मार देता है, बेटी भी गई, दामाद भी गई, अपने गया, इस तरीके से ये पूरा जो इतना बड़ा साम्राज्य था इस पर किसका अधिकार हो गया, देखो मोहम्मद गोरी पर। लेकिन बाबू जैसे करोगे वैसे ही भोगना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, चंदावर का युद्ध तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम घटना बाबू अब मोहम्मद गोरी के साथ हुआ। मोहम्मद बीच में गॉप नहीं कीजिएगा, जब क्लास चल रहा है, वीडियो बन रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, आप भी डिस्टर्ब होंगे, चुपचाप सुन ली। यहाँ पे देखिए, चंदावर का युद्ध में कौन हुआ, जयचंद मारा गया, कंप्लीट है कहानी, इधर सब मर गया है। अब यहाँ पे सेम कहानी रिपीट होती है किसके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ एक गुलाम रहता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी को एक बेटी था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी इधर व्यस्त है युद्ध में, तरान का प्रथम, तरान का दूसरा है, चंदावर का है। और तब तक इधर मोहम्मद गौरी का बेटी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा है, चल रहा है विवाह, नहीं चल रहा है, इधर फंसाने का रस्म चल रहा है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बेटी को फंसा लेता है और उसके बाद शादी भी कर लेता है। जब ये बात पता चलता है मोहम्मद गोरी को, आग बबूला होता है, एक कदम तलवार निकालता है, गर्दन क्या कर देंगे, काट देंगे। तब बेटी कहती है, मत भूलिएगा उधर बेटिए के शादी के चक्कर में ना मारा गया है, अगर पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी से शादी नहीं करता तो मारा जाता, आपको राज इतना बड़ा मिलता, और आप अगर यहाँ पे इसको मारिएगा तो फिर आप भी क्या हो जाएगा, कहानी याद कल कहानी याद करो पप्पा, हमारा ब्याह कर दो। तो कहते ठीक बेटी, ठीक बोल रही है, हमू बर्बाद हो जाए।
जाए दे आ ई गुलाम था, गुलाम माने समझा छी ना, नौकरों से बदला बेटी से शादी कर लिया। अब सवाल उठा कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम है, ओकरा तो बेचा के ना घर है ना द्वार है ना कुछ, ओकरा तो खरीद के ना लाया है, अब की हो, अब बेटिया कहला कि अब की करबो, तो दे दहु तनका ना, तो इसको बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पूरा राज्य दे दिया, मालवा और राजस्थान का जो क्षेत्र है पूरा दे दिया। आ यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, शासन करना शुरू कर लिया, अपन बेटी दामाद शुरू किया, अपना चल गया ना। लेकिन कहानी कभी रुकती है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी वही गलती किया। अब इसने एक गुलाम रखा जिसका नाम था इल्तुतमिश, क्या नाम था, इल्तुतमिश का भी एगो बेटी था, ठीक है, इल्तुतमिश का भी बेटी था, ठीक है। अभी आप कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी अभी यहाँ पे इल्तुतमिश में नहीं, यही आ जाओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको गुलाम को रखा, इल्तुतमिश को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को भी जो बेटी थी, ठीक है, ये बेटी ये बाबू इसके साथ फंस गई, केकरा साथ, इल्तुतमिश के साथ। अब फिर अब इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश से ओकर बेटी फंस गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि मार देंगे ओकर बेटी को, रुक समझल के कि याद कर उन्हें तू जे कलू मोहम्मद गौरी के बेटी से तू ब्याह करो तो मारल कहता हमू कर ले तो तू कला मारो, ठीक है बाबू। यहाँ पे बेटी से क्या कर लेता ये, अब सुनो, एहो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इल्तुतमिश भी क्या ना था, गुलाम, इसीलिए इस वंश का जो नाम पड़ेगा कौन वंश आएगा इन्हें कह रही अब गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, चूंकि गुलाम था इसको दे दिया, ठीक है, तो गुलाम वंश यहाँ चूंकि गुलाम है सब। अब यहाँ पे सोचिए इल्तुतमिश ने तो शादी रचा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं, लेकिन आगे चल के सुनिएगा, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आएगा। रजिया सुल्तान इतने कई को ना बेट फंसा रहा है, रजिया सुल्तान दुद्दुगो के फंसा लिया, एकर बेटिया दुद्दुगो के फंसा ले, एगो से वास्तविक प्रेम करता था, आ एगो जब युद्ध में हारने लगा था कल के अब की करे शादी कर ले, तो वो खुश कल के बाह ऐसा लड़की हमें मिल गया, ठीक है। ओहो क्या करती है, कहानी कैसे जाए छे, आ कोना कोना एगो रहे मलिक याकूत, रजा सुल्तान जब प्रेम करते रहे ओकर नाम रहे मलिक याकूत, आ जेकरा युद्ध में हार ले तो फंसा ले ओकर नाम रहे मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, ठीक है, इस लड़का लड़की लड़की फंसा लेते रहे। रजिया सुल्तान का प्रेम था मलिक याकूत से, और दूसरा जब युद्ध हारने तो किसको फंसा लिया, मलिक अल्तुनिया को, अल्तुनिया, और इसी शादी किया, बाद में आपको वो मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। अभी आइए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे, आप पता है कि गुलाम सबसे प्रथम जो महिला शासिका थी कौन थी, रजिया सुल्तान, तो यहाँ से शुरू हो जाता है कौन वंश, अब इधर ही खत्म हो गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताइएगा, सबसे पहले बताइए जयचंद की बेटी का प्रेम किससे चला था, पृथ्वीराज चौहान, हाँ। और उसको कहां से उसको उठा के लेके भाग गया था, दरबार नहीं, स्वयंवर में, कहां से, स्वयंवर। मोहम्मद गौरी की बेटी से शादी कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद गौरी जो था वो अपने जो जीते हुए प्राण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का, वो क्षेत्र किसको सौंप दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ऐबक ने खुद अपने लिए किसको गुलाम बनाया था, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश में कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से क्या कर लिया, शादी कर लिया, गुलाम, चूंकि ये सब गुलाम था इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया, गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गौरी की बेटी को उससे क्या किया था, शादी किया था। ऐबक ने गुलाम रखा था उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने किससे शादी कर लिया, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद गोरी जो था वह कहां का रहने वाला था, अफगानिस्तान का, वही तुर्की अफगानिस्तान, तुर्की के आसपास अफगानिस्तान, ठीक है, कहां का रहने वाला था, अफगानिस्तान का। संस्कृत पुस्तक जो है हरि केली, उसके रचनाकार कौन है, संस्कृत पुस्तक हरि केली के रचनाकार कौन है, विग्रहराज फोर बिसलदेव, विग्रहराज फोर यानी विग्रहराज चार बिसलदेव। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद। पानीपत का स्थान कहाँ पे पड़ेगा,
पानीपत कौन राज्य में पड़ेगा? हरियाणा। पानीपत कौन राज्य में पड़ेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। कोना कोना के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान। और पर दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी, किसके बीच? मोहम्मद गौरी और चौहान। इसमें किसकी जीत हो गई? मोहम्मद गौरी की। किसकी जीत हो गई? मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी को मार देता है, बेटी को भी समाप्त कर दिया। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। उसमें जयचंद मारा जाता है और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। वो अपना वंश को, अपने साम्राज्य को, जो मोहम्मद गोरी था, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपते हुए वो अपना अफगानिस्तान लौट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था आपका एक छोटा सा, कौन सा वंश? चौहान वंश। और गुलाम वंश के बारे में हल्का सा आपने जानकारी लिया। नहीं, चौहान वंश को चौहान वंश भी कहा जाता है। फिर से एक बार, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र या नागौर। अहिछत्र या नागौर। बाद में अजय राज द्वितीय ने कहाँ पे ले गया? अजमेर। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह कौन था? अर्नो राज के पुत्र था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव। उसने कौन सा किताब लिखा था? हरी केली नामक संस्कृत नाटक की रचना। ठीक है, सोमदेव विग्रहराज चार के राज कवि थे। कौन? सोमदेव जो थे, सोमदेव विग्रहराज चार के राज कवि थे और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो शुरू हो में विग्रहराज द्वारा बनाया एक निर्मित क्या था? विद्यालय। याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो था यह पहले विग्रहराज चार के द्वारा बनाया गया एक विद्यालय स्कूल था और स्कूल के ऊपर वाला भाग तोड़ के और इसको 2.5 दिन में क्या बना दिया था? एक झोपड़ा बना दिया था, मस्जिद बना दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, और बताइएगा पृथ्वीराज चौहान जो कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है वह किस वंश का अंतिम शासक था? चौहान। चंद्रवरदाई जो था वह पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? राज कवि था। उसने किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पूछेगा पृथ्वीराज रासो किसकी किताब है? पृथ्वीराज रासो किसकी किताब है? चंद्रवरदाई की। ठीक है, और रणथंभौर के जैन मंदिर का जो शिखर है, शिखर माने सबसे ऊपर वाला भाग, वह कौन बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का पहला युद्ध कहिया हुआ? 1191 में। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में, जिसमें किसकी जीत हो गई? मोहम्मद गौरी की। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में हुआ और उसमें किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की हुई। मोहम्मद गौरी अपने सारे साम्राज्य को छोड़कर किसके लिए चला गया? अपने गुलाम, अपना गुलाम दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, यही ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक बार फिर से कहानी आते, चलिए कहानी ऊपर से लाते। सबसे पहले जयचंद की बात आई। जयचंद को क्या हुआ? बेटी हुआ। बेटी को कौन भगा के स्वयंवर से ले गया? पृथ्वीराज चौहान ले गया। पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? कौन था उधर? कौन है? कौन है बउआ? जयचंद। जयचंद किससे मिल गया? मोहम्मद गोरी के साथ। किसको मरवा दिया? पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद पर कौन हमला किया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, इसको भी क्या था? एक बेटी था। बेटी को किसने फंसा लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने फंसा लिया। शादी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बात खत्म। कुतुबुद्दीन ऐबक को बेटी हुआ। क्या हुआ? बेटी हुआ। इसको कौन फंसा लिया? इसके जो गुलाम था इल्तुतमिश, इसको फंसा लिया। शादी हुआ कि नहीं हुआ? अब इल्तुतमिश के बाद कौन आई? रजिया सुल्तान आई। कौन आई? पहला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। एगो न, इसे काका और बाबू एक एगो रख ले है। हम लड़की न है, हम कम है। इकला के सबसे पहले प्रेम किया किसे? मलिक याकूत से। फिर प्रेम किया, जब हारने लगा युद्ध तो किसे किया? मलिक अल्तुनिया से। मलिक अल्तुनिया, ठीक है, मलिक अल्तुनिया से।
क्या कर लिया, शादी कर लिया। लेकिन बेचारी जब जा रही थी उसी समय डकैतों ने इसको क्या कर दिया, रास्ते में मार दिया। कहानी इसका क्या हो गया, रजा सुल्तान। ठीक है, और इस सब जो है इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त किया गुलाम वंश आगे। लेकिन इसके पहले कुछ और देखेंगे, तब तक जय हिंद।